मोमिन, अपना नाम बताइए। मोमिना बानो, नदी नाका माड़ा कॉलोनी में बहुत पानी भरा था, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत परेशान हुए, कहीं कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, आदाब। मेरे दाहिने तरफ ये भिवंडी शहर की कामवारी नदी है जो भिवंडी शहर को लगकर कुछ दूर तक जाती है और उसके बाद खाड़ी में तब्दील हो जाती है और बाद में जाकर ठाणा की जो खाड़ी है उससे मिल जाती है। भिवंडी शहर के इस नदी के बाएं हाथ पर भिवंडी शहर का महाडा कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट द्वारा बनाया गया था। बहरहाल यहाँ बार बार पानी भरने के कारण यहाँ के लोगों ने अपने बचाव के लिए पहला माला भी बना लिया ताकि बरसात के मौसम में बचा जा सके, मगर अभी भी वही हाल है, यहाँ बचाव मुश्किल है। लोगों के घरों का सामान हर साल बर्बाद होता है और महानगर पालिका अपना ऐलान करके अपने किनारे हो जाती है। इस वार्ड के जो नगर सेवक हैं या आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी फ़ोटो खिंचवा कर अपने घर चले जाते हैं, मगर समस्या वहीं की वहीं रहती है। खास बात यह है कि मेरे दाहिनी तरफ जो अतिक्रमण है, साइडिंग है, डाइंग है और इस तरह के और भी दूसरे छोटे छोटे बड़े उद्योग भी मौजूद हैं, ये लोग दिन ब दिन नदी के अंदर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, मगर लोगों की नज़र महाडा कॉलोनी के किनारे छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों पर रहती है। और इसी नदी के किनारे और आगे जाएंगे खाड़ी पार यानी खोनी ग्राम पंचायत के हद में भी खाड़ी में इस तरह का बहुत सारा अतिक्रमण हो चुका है। ज़रूरत है इस नदी की सफाई की और महाडा कॉलोनी और नदी के किनारे बसने वाले जैसे ईदगाह रोड इस तरह के जो लोग हैं उन्हें सही जगह पर बसाने या जिस जगह वो मौजूद हैं वहाँ कुछ ठीक ठाक करने की। मैं खान फखरे आलम, क्या कहेंगे भिवंडी शहर का ये इलाका महाडा कॉलोनी और महाडा कॉलोनी से लगकर ये कामवारी नदी, इसके बारे में फिलहाल जो अभी पानी भरा था क्या कहेंगे? ये जो अभी पानी भरा था कल बरोज बुध, इसमें इतनी तबाही आई कि हर एक के घर का राशन सब कुछ डूब गया और टोरंट वालों ने पावर ना देने की वजह से घरों में पीने को पानी तक नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, लोग को कपड़े धोने, इतनी गंदगी हो गई है कि आज लोग एकदम परेशान है, किसी को सुकून नहीं है, इतना ज़्यादा ये लोग परेशान है यहाँ की बस्ती के लोग। और ये कामवारी नदी जो है 1998 में भरा तब तबाही लाई, सन 2000 में भरा तब तबाही लाई, अब इसके बाद में ये कामवारी नदी 2005 में तबाही लाई और अभी फिर तबाही लाई। हर घर के अंदर जो है लोग मोहताज हो गए खाने पानी से, हर चीज़ से, बच्चे भूखे मर रहे थे, बच्चे प्यासे मर रहे थे, कोई पुरसान हाल नहीं था। बहुत नेता आते मगर कोई किसी को कुछ नहीं, हर कोई जो है अपना अपने लाल करके चला जाता है। अरे कम से कम देखो तो ये गरीब किस तरीके से जी रहे, अरे गरीबों का तो ख्याल करो। हाँ जात भी ऐसे क्यों इस तरीके से मारने के चक्कर में पड़े रहते हो? यहाँ पे जो बस्ती है इतनी बड़ी बस्ती है, एक चोरन ने जो पावर दी, हर वक्त देखो तो बंद कर देते, हर वक्त देखो जहाँ पे बोलते करंट उतरता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है मगर बंद कर देते। रात में मच्छर, परेशानी, गंदगी, इतनी गंदगी के जिसकी इंतहा नहीं। अरे कम से कम ये गंदगी तो दूर करो, लोगों को खाने पीने का तो इंतजाम करो। हर किसी के घर के अंदर नमक तक नहीं बचा है, सबका नमक घर का ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, सब बह गया है। आज जो इतने मोहताज है कि कोई भी पुरसान हाल नहीं है। यहाँ के रहने वाले को 317 LIG रूम बना के दिए थे और 47 यानी 47 रूम MIG बना के दिए थे, वही रूम में लोग रह रहे थे। अपने बचाव के लिए 1998 में लोगों ने थोड़ा बनाना शुरू किया ताकि हम बच सके, अब ये हालत हो गई कि वो बचाव में भी लोग को नुकसान हो रहा है। क्यों? कि पानी और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, गंदगी बढ़ते जा रही है, बीमारियाँ बढ़ते जा रही है। अरे कम से कम कुछ तो यहाँ पर इसका ख्याल करो कि गरीबों को सुकून मिले, मगर नहीं, सुकून तो है नहीं। लगो आओ मैं तुमको दिखाता हूँ आज भी किस क्या हालत में है। यहाँ पे कारखाने वगैरह जो है नदी को शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, उसमें घुसते चले जा रहे हैं। अरे कोई नगर सेवक ने कोई नहीं आया और कोई समाज सेवक और कोई नहीं आया, कोई नहीं इधर, कोई नहीं आया, एकदम नदी के किनारे हम लोग है, कोई नहीं आया यहाँ पे। पानी कितना भरा था? कम से कम 3-3.5 फीट पानी था, 3.5। लोगों का नुकसान, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, वो सब बाल बच्चे लेके इधर उधर, किसी जिसका जिसका माले पे सब थे, सब इधर उधर रखे थे सामान, जानवरों का नुकसान हुआ, हर चीज का, बच्चों का बहुत नुकसान हुआ।
अपना नाम बताइए। मैसर जहाँ नदी नाका महाड़ा कॉलोनी। कब से रहती हैं आप? 25 साल में कितनी बार पानी भरा होगा? बहुत बार भर चुका है पानी। आज ये त्योहार के टाइम पर जो पानी भरा उसमें नुकसान हुआ? हाँ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सामान सब गया, बहुत सामान नुकसान हुआ। कोई नगर से वगैरह मिल? कोई भी नहीं आया। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।